कितने लोग महाभारत देख चुके हैं और कितने लोग आज की महाभारत देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो मत देखिए। बहुत ही, मैं बकवास नहीं कहूंगा, बहुत ही अपमानजनक वे से महाभारत बनाई जा रही है। उसका तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। धृतराष्ट्र को बॉडी बिल्डर बना दिया गया है और जितने भी पांडव बने हैं वो सब मॉडल दिखते हैं। सत्यवती वैम्पिश दिख रही है, कहती है कि मैं भिखारण बन के कैसे रहूंगी, और भीष्म पितामह कहते ठीक है मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जबकि वो नहीं था, दाशराज से बाप से जाके मिले थे और उन्होंने इतना तोड़ मरोड़ किया है। मुझे ये नहीं कहना है कि महाभारत फिर से बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्योंकि मैं खुद फिर से भीष्म पितामह का रोल नहीं कर सकता। कल मुझे एक फोन आया था हरिद्वार से कि गंगा मैया की हमको सीरियल सहारा वन में पास हो गई है, तो मैंने कहा यस, सो सर हम चाहते हैं आप वो रोल करें फिर से। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए दोगे तो भी नहीं करूंगा। वो बन गया है, उसको फिर से अगर क्रिएट करना है तो वो लेवल नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर राही साहब नहीं मिलेंगे, वो नरेंद्र शर्मा पंडित नहीं मिलेंगे, वो बीआर चोपड़ा नहीं मिलेगा। आज के जिस तरह से ये लोग जो बना रहे हैं, मुझे ये कहते हुए कोई, इवन आप भी जानते हैं, आपने एकता कपूर की महाभारत भी देखी है जिसने द्रौपदी के यहां पर टैटू लगा दिया था। मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, कहते हम मॉडर्न लोगों के लिए महाभारत बना रहे हैं। मैंने कहा संस्कृति कभी मॉडर्न नहीं हो सकती पुत्र, जिस दिन संस्कृति को मॉडर्न करोगे वो खत्म हो जाएगी। और वो सीरियल ही नहीं खत्म हुई, वो चैनल 9X भी खत्म हो गया उस सीरियल की वजह से, जिसमें 6-पैक वाले पांडव हैं। और मैंने कहा 6-पैक से योद्धा नहीं बनते, योद्धा कपड़े पहन के भी बनते हैं। और वो एकता कपूर के बाद आज एक और महाभारत बन रही है जिसका मुझे ऑब्जेक्शन है कि ये नहीं चलेगी, क्योंकि आप व्यास मुनि से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटन, उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक और ऑब्जेक्शन मैं लेना चाहता हूं, जो यहां बड़े बड़े देश के विचारक हैं बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसने इनको हक दिया है हमारे एपिक को चेंज करने का? किसने चेंज करने को कहा है कि सत्यवती को वैम्पिश बना दो? गांधारी गांधारी नहीं लगती जो बातें कर रही है, कुंती कुंती नहीं लगती। किसने आपको यह हक दिया है कि आप हमारे देश के एपिक से छेड़छाड़ करें? माफ करना, किसी और धर्म और किसी और संप्रदाय में आप करके देखो, तलवारें निकल आएंगी ऐसे ऐसे। यही फिर से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर मैं कटाक्ष कर रहा हूं। हम बहुत सहिष्णु हैं, सहनशील हैं और इसमें अपनी ग्रेटनेस मानते हैं, पर यह ग्रेटनेस नहीं है, कमजोरी है। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि आप महाभारत को महाभारत की तरह दिखाइए। एनीवे, आपको डायलॉग सुनने हैं। मैं दोपहर को भी हूं और स्वामी जी मुझे छोड़ने वाले नहीं है दोपहर को भी, तो मैं आपको डायलॉग सुनाता हूं। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, क्या तुमने यह निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ, यह सिंहासन जल जाएगा यह सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है तातश्री, भूल? यदि तुम यह नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने सीखने और स्वीकार करने का साहस कर, भेज किसी को और विदुर को बुला भेज, यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा, हस्तिनापुर भी डूब जाएगा, प्राणशिला भी। भीष्म प्रतिज्ञा कर करके मेरी शादी नहीं हो पाई है पुत्र। हर स्टेट में मुझे लोग भीष्म प्रतिज्ञा करवाते हैं। ये अभी करवानी है या दोपहर को करवानी है? अभी चाहिए। मैं यही बताने जा रहा था कि भीष्म प्रतिज्ञा को क्या इन्होंने पेश किया है और क्या हमने किया था। दाशराज के पास में जाके देवव्रत जाके पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है,
और दाशराज कहता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, तुम तो युवराज हो, तुम्हारा तुम राज के गद्दी पर बैठोगे, मेरे पुत्र जो होंगे, मेरी बेटी के पुत्र का क्या होगा। और तब जाकर देवव्रत प्रतिज्ञा लेता है जिससे उसका नाम भीष्म पड़ जाता है। और आज की महाभारत में बाप है ही नहीं, ये आज की परंपरा नहीं है कि सीधा जाके लड़की से बात करना है, वो भी किसी मैदान जंगल में जाके पूछता है क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलती मैं कैसे रह सकती हूं, मैं कोई भिखारन बन के रहूंगी अपने इस राज में, मेरे बेटे को क्या होगा। और फिर जाके वो बोलता है ठीक है ऐसा है, तो वो प्रतिज्ञा लेता है, वहीं खड़े खड़े प्रतिज्ञा लेता है, विच इज रॉन्ग। तो दाशराज ने जब ये प्रश्न उठाया कि मेरी बेटी के पुत्रों का क्या होगा देवव्रत, तो देवव्रत कहते हैं आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हां यह सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दाशराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। देवताओं ने ऊपर से फूल गिराते हैं देवता, और उस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम ऊपर से आवाज आती है भीषण भीषण भीषण, और उसका मतलब होता है भीष्म भीष्म भीष्म। और उस दिन के बाद देवव्रत का नाम भीष्म पड़ जाता है, और उसकी काली दाढ़ी से धीरे धीरे व्हाइट दाढ़ी हो जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, मैं कहता हूं मेरी उम्र 160 साल है पुत्र। मेरे बारे में यह मशहूर था कि मुकेश खन्ना जहां भी जाता है उनको आयुष्मान भव कहने की बहुत आदत है, जहां भी जाते हैं आयुष्मान भव, कोई राइट से टच करता बोलता है आयुष्मान भव, कोई लेफ्ट से टच करता बोलता है आयुष्मान भव। उनके घर वाले इनके आयुष्मान भव कहने की आदत से बहुत परेशान हो जाते। एक बार मुकेश के घर पे एक मुसलमान दोस्त आता है, मुकेश दरवाजा खोलता है और उनको बोलता है आयुष्मान, अंदर आके लिख बिठा देते। जब अंदर आके बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे होती है, चाय शाय होती है, और फिर वो दोस्त चला जाता है, तो मुकेश भाई के परिवार वाले मुकेश खन्ना पे चढ़ जाते हैं, आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता, जिसको भी देखो आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव कहते। मुकेश बोलता भाई मैंने उसको आयुष्मान भव नहीं कहा, बोला छोड़िए आपको तो मालूम भी नहीं पड़ता, आपको तो नींद से उठाते हैं हम लोग चाय के लिए, तो बोलते आयुष्मान भव। अरे वो मुस्लिम है उसको क्या मालूम आयुष्मान भव क्या होता है। मुकेश ने कहा भैया मैंने उसे आयुष्मान भव नहीं कहा भाई, मैंने उसे कहा आओ उस्मान भाई आओ। अब ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं स्वामी जी को भी कह देता हूं, मेरे सामने जो आता है मेरा हाथ उठ जाता है। इवन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को भी मैंने कहा था मैं आपको भी कह सकता, बोला हाँ मैंने कहा आयुष्मान भव। सो ये मेरी जिंदगी में कभी कभी लगता है कि उस ऊपर वाले ने विषम पितामह ने लेटर ऑफ अथॉरिटी दिए मुझे, जा बेटा आशीर्वाद बांट। उस 25 सालों से आज तक मैं आशीर्वाद बांटते चला रहा हूं, उसको तोड़ने के लिए मैंने शक्तिमान बनाया, मेरी दाढ़ी का इमेज तोड़ने के लिए मैंने शक्तिमान बनाया, क्योंकि महाभारत के पहले मैं 15 फिल्मों में हीरो था, और महाभारत के बाद में मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गया। तब मैंने वो इमेज तोड़ने की कि मुकेश खन्ना दाढ़ी के बगैर ऐसा दिखता है, और पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली की तरह कॉमेडी भी कर सकता है। मैंने शक्तिमान का निर्माण 97 में किया, बहुत चला, 15 सालों से बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी पीछे से भीष्म पितामह साहब चले आ रहे हैं, और अभी मुझे वो दोनों रूप जीने पड़ रहे हैं। कोशिश थी कि तीसरा रूप ना जुड़े, इसलिए नानू का रूल मैंने खींच लिया वापस, ने पता लगा हर जगह मुझे अलग अलग लोग मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं लंच के बाद सुनाऊं, सौगंध कितने लोगों ने देखी थी। अक्षय कुमार की पहली फिल्म चौधरी सारंग कितने लोगों ने देखी थी। गंगा चौधरी सारंग का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, बारूद में फट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। अगली बार आना तो अपने बेटे को साथ लेकर आना, ताकि 20 साल पहले मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे मैं पूरी कर सकूं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स। अर्जुन, स्वामी जी का आदेश है अर्जुन वाला एक डायलॉग सुना दो।
अर्जुन ओके चीरहरण पंखुड़ी का डायलॉग नहीं होता भैया। पंखुड़ी सीरियल में माफ करना सिर्फ बिंदिया होती है, झुमके होते हैं, साड़ियां होती हैं और कुछ नहीं होता इन तरह के सीरियल में। मेरे आसपास मेरी लड़की बनी है, मेरी बहू बनी है, मैं देखता रहता हूं, साड़ियां ढूंढते रहते हैं, ये कलर नहीं वो कलर चाहिए, ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोलता तुम लोग क्या करते हो ये। पर मेरे को हैरानी तब होती है जब मेरी सिस्टर दिल्ली में कहती है तेरी लड़की जो अवंतिका बनी है वो साड़ियां बहुत अच्छी पहनती है। तो आप लोग वो देखते हो और मैं वो नहीं कर सकता, चार साल तक मैं घर घर नहीं खेल सकता, इसलिए पंखुड़ी उड़ गई। चीरहरण के बाद अर्जुन, द्रौपदी चीरहरण के बाद जो महाभारत का टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना पड़ा था, जहां लोगों के भावनाओं को हर्ट हुआ। आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं चीरहरण रोका। मैंने कहा देखिए भीष्म पितामह अगर चाहते तो चार लाफे मारते, धृतराष्ट्र को बोलते हट, शकुनि को बोलते हट, हट सकता था, लेकिन फिर वो नहीं, क्योंकि उनका धर्म था, उनका एक तप था। उन्होंने अपने पिता को यह वचन दिया था कि इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा उसमें मैं पिताश्री की छवि देखूंगा, इसलिए वो हमेशा यही बोलते हैं रोक दीजिए पुत्र रोक दीजिए, लेकिन आदेश नहीं देते। तो जब चीरहरण होता है तो अर्जुन आता है नेक्स्ट डे उनके पास और अर्जुन उनसे बात कहता है कि इस अपमान का विष हम लोग क्या चुपचाप पी जाएं, चुपचाप पी जाएं पितामह, बताओ चुपचाप पी जाएं। तो पितामह कहते मैं कौन होता हूं पुत्र इस विषय में बोलने वाला, क्योंकि इस विषय में स्वयं अपने आप निर्णय लेना पड़ता है। क्या दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था? यदि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाया तो दुशासन कर्ण और शकुनि ने तुमसे यह कहा था कि तुम उसका विरोध न करो, और यदि नहीं तो इस अपमान का उत्तरदायित्व तो तुम सबों पर है पुत्र, तुम सबों पर है। तो क्या हम अपने भ्राता का विरोध कर सकते थे? तो क्या तुम अपने भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आए हो पुत्र? अरे पुत्र घायल तो मैं हुआ हूं, अपमान तो मेरा हुआ है, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का, अरे अपमान तो हुआ है हस्तिनापुर का, और इस अपमानों की भीड़ में केवल तुम्हें अपना अपमान दिखाई दिया। अरे पुत्र जाओ इंद्रप्रस्थ पर जाओ और विचार कहो कि ये जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है। आरोपों की मृग तृष्णा में मत भटको पुत्र, भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है पुत्र, बड़ों से हुई है। परंतु दुख की बात तो यह है पुत्र अर्जुन, ये सारी बातें मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता, क्योंकि दुर्योधन एक उल्टी गागर है, जल जाने का स्थान तो बहुत है पुत्र अर्जुन, पर जल जाने का मार्ग बंद है अर्जुन, मार्ग बंद है।